उत्तराखंड के 13 वीरांगनाओं को आज मंगलवार को तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें सम्मानित किया है। सर्वे चौक स्थित ITRDT सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की वीरांगनाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य और देश का नाम रोशन किया है। सरकार इनके सम्मान और सशक्तिकरण के लिए संकल्पबद्ध है। इस दौरान महिला सशक्तिकरण और महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर भी वहाँ पर मौजूद रही। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने राज्य की वीरांगनाओं को तीलू रौतेली के नाम से दिए जाने वाले पुरस्कार की धनराशि 20,000 रुपये बढ़ा दी है। अब इसे 31,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दिया है। वहीं राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार की राशि 30,000 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। अब इसे 21,000 से बढ़ाकर के 51,000 रुपये कर दिया है। MKN न्यूज़ की डेस्क रिपोर्ट। अभी माननीय मंत्री जी ने आप सबके सामने कहा कि इस वर्ष का जो पुरस्कार है और तीलू रौतेली पुरस्कार और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार, इसकी धनराशि बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। और ये हमने पहले ही कहा था, क्योंकि हम लोगों ने ये तय किया है कि जो भी घोषणा करेंगे उस घोषणा का शासनादेश निकलेगा, वो घोषणा धरातल पर उतरेगी और वो घोषणा पूरी होगी। उसी क्रम में तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि जहाँ पहले 31,000 रुपये दी जाती थी, अब यह धनराशि बढ़कर 51,000 रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार की धनराशि भी 21,000 रुपये से बढ़ाकर इसको भी 51,000 रुपये कर दिया गया है। आज इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मेरी आंगनबाड़ी बहनें मौजूद हैं और मैं जो आप सबके द्वारा हमारे नौनिहालों के लिए, हमारे कर्णधारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उनके प्रयासों की मैं आप सबकी बहुत सराहना करता हूं। आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं कि आप सब द्वारा लगातार एक से एक अच्छे काम किए जा रहे हैं। और आज प्रतीक में हमारी बहन रेखा भी आपके साथ, आप सबका मनोबल बढ़ाने के लिए और आप सबकी उपस्थिति का स्मरण कराने के लिए आप ही सबकी तरह आज यहाँ पर आई हैं, तो निश्चित रूप से यह भी हमारे लिए एक बड़ा आज का दिन है। बहनों, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति मजबूत करने के लिए